1 लाख की इनामी कुश्ती को जीता है, जरा कैश अवार्ड दिखा दीजिए, जरा कैश अवार्ड दिखा दीजिए जो आपने जीता है। ये देखिए 1 लाख की इनामी कुश्ती, तालियां तालियां बजा दे। आर्मी में नायक सुबेदार के पद पर है। दूसरा पहलवान आशीष छत्तरसाल स्टेडियम, ये छत्तरसाल स्टेडियम में पहलवानी करता है, ये भी नेशनल चैंपियन है, इंटरनेशनल पहलवान है, दोनों की फाइनल कुश्ती है। ये दोनों ही पहलवान बढ़िया जोर आजमाई करके कुश्ती दिखाए हुआ है, इतनी पब्लिक आपकी कुश्ती देखने आ रही है। ठीक है, मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा तालियां बजाए, पहलवान तभी अच्छी कुश्ती दिखाएंगे। भाई जो थर्ड और फोर्थ आए दोनों पहलवान गद्दे के पास आ जाए, तुरंत गद्दे के पास आ जाए, इस कुश्ती के तुरंत बाद बेल श्रवणी की जाएगी, प्राइज मनी की जाएगी दोनों ही। आज की कुश्ती रैन कौशल के पहलवान मोनू पहलवान पहले राउंड के बाद 2-0 का स्कोर
मोनू पहलवान दो अंक, आशीष पहलवान नीले कौशुम में जीरो। तीस सेकेंड पूरे हुए और ये आज का अंतिम और फाइनल राउंड। इस कुश्ती का आखिरी और अंतिम राउंड। एक पॉइंट लेने में कामयाब ब्लू कौशुम के पहलवान, क्योंकि धकेल के बाहर के हमको एक पॉइंट लेने में कामयाब। इसको हुआ 2-1। बहुत बढ़िया था, उसे ताली बजाएं। और पॉइंट लेने में कामयाब, दो पॉइंट लेने में कामयाब रहे रेड कौशुम के पहलवान। गजब का था। अच्छा, दो पॉइंट और अंक लेने में कामयाब रहे। अच्छा था और घुमा गए। स्कोर 6 पॉइंट रेड कौशुम के पहलवान मोनू पहलवान, 1 पॉइंट ब्लू कौशुम के पहलवान आशीष पहलवान। 6-1 से लीड लेते हुए मोनू पहलवान। आखिरी राउंड इस मैच का, बहुत बढ़िया दर्शक ताली बजाएं। लास्ट कुश्ती आज के दंगल की, जीतने वाले पहलवान को 1,00,000 रुपए और माइक रखो। माइक बहुत बढ़िया। आखिरी राउंड, आखिरी राउंड इस फाइनल राउंड, दोनों ही पहलवान झूमते हुए जुड़े थे पॉइंट लेने के जोश में। भाई साहब बहुत बढ़िया दांव होता है, अच्छा बचाव पहलवान द्वारा। रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान मोनू पहलवान, अमित ब्लू कॉस्ट्यूम में आशीष पहलवान। 50 सेकंड का खेल शेष। बहुत बढ़िया दांव, दो पॉइंट लेकर कामयाब रहे रेड कॉस्ट्यूम के पहलवान। अंतिम 25 सेकंड से आखिरी 15 सेकंड से दो पॉइंट लेने में काम आ रहे हैं ब्लू कौशुम के पहलवान। और समय समाप्त। अब हम आपको मिलाने वाले हैं हमारे जो 1,00,000 पुरस्कार नगद विजेता मोनू जी से मिलाने वाले हैं, जो कि छत्रसाल में ट्रेनिंग करते हैं और उनके कोच भी हमारे साथ हैं। तो मोनू जी भाई, ये मेरा कोच नहीं है। अच्छा, ये कोच नहीं, ये मोनू जी के भाई हैं। तो हम इनसे बात करें, आपका नाम? मेरा नाम योगेश। योगेश जी कहाँ से हैं? दिल्ली, छत्रसाल स्टेडियम। छत्रसाल स्टेडियम में ट्रेनिंग करते, रहने वाले कहाँ के हैं? हरियाणा के। हरियाणा से बताइए, पानीपत। ये हरियाणा से पानीपत से हैं। आप भी सेम जगह से? बिल्कुल, ये बड़ा भाई है मेरा। अच्छा, ये इनके मोनू जी के बड़े भाई हैं और इन्होंने अभी अभी 1,00,000 की इनामी कुश्ती को जीता है। जरा कैश अवार्ड दिखा दीजिए, जरा कैश अवार्ड दिखा दीजिए जो आपने जीता है। ये देखिए 1,00,000 की इनामी कुश्ती, तालियां तालियां बजा दे। ये अभी इन्होंने इनाम जीता है। तो
जैसा कि हमने सुबह से देखा बहुत ही कड़ी परिश्रम, और ये हमारे इंडियन आर्मी में भी हैं। किस पद पे काम कर रहे हैं? मैं नायक सूबेदार। ये नायक सूबेदार हैं इंडियन आर्मी के अंदर, तो इनकी हम वर्कआउट के बारे में थोड़ा सा पूछेंगे। आप कितने दिन कितने टाइम कितने घंटे पूरे दिन में मेहनत करते हैं, और कितने लंबे समय से आप कुश्ती से जुड़े हुए हैं? मैं 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, 76 साल स्टेडियम से ही। और सुबह 4:30 बजे हम उठ लेते हैं और 8 बजे हमारी प्रैक्टिस ख़त्म होती है, फिर उसके बाद खाना पीना रेस्ट, फिर शाम को 4 बजे फिर। तो ये दिन में 2 बार मॉर्निंग और इवनिंग दोनों का सेशन करते हैं, और ये 10 से 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही इनकी कड़ी मेहनत थी जो आप लोगों ने देखी।